वापस लो वापस लो वापस लो। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि ये आज की वीडियो किस विषय में बनने वाली है, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक छोटी सी क्लिप। रास्ते में कोई भी बेध्यान हुआ या कोई रश कर आ गया और अकस्मात हो गया, अकस्मात करने के बाद वो व्यक्ति स्वयं उसको पुलिस स्टेशन या तो हॉस्पिटल ले जाता है, तो इसके लिए कम सजा का प्रावधान किया है। और हीट एंड रन केस, मरता हुआ छोड़कर कोई भाग जाता है, तो इसके लिए हमने 10 साल की सजा का प्रावधान। तो दोस्तों, जैसा कि आपने अभी ये वीडियो क्लिप देख ली होगी, तो इसमें अमित शाह ने कहा है कि अगर कोई ड्राइवर के हाथों कोई एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वो वहाँ से भाग जाता है, तो उसको 10 साल की सज़ा और 5 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। और दूसरी बात, आप ये चीज़ भी आप भी समझ सकते हैं, अगर वहाँ पे अगर हम जिस ड्राइवर के हाथों अगर एक्सीडेंट हो जाता है, अगर वहाँ पर वो खड़ा रहेगा, तो क्या जनता उसे वहाँ पर ज़िंदा रखेगी, या जनता उसे मार देगी, या सरकार उसे सजा देगी? तो दोनों तरफ पिस कौन रहा है? ड्राइवर। तो ये चीज़ें आप भी समझ सकते हैं। तो इसी फैसले के विरोध में आज हम पूरी हमारी टैक्सी यूनियन पिथौरागढ़ ने एक पूरी बैठक होने के बाद ये फैसला लिया है कि आज से हम चक्का जाम कर रहे हैं। तो इसमें आप लोगों का भी समर्थन जरूरी है, तो आगे आप देखें। हेलो दोस्तों, आज के नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं ठीक और आशा करता हूं कि आप सभी लोग भी ठीक होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे मेरे पीछे पूरा हमारा पिथौरागढ़ टैक्सी यूनियन, और जो कि सरकार की तरफ से जो भी ये चीज अंधा कानून के रूप में आई है, तो आपको पता ही है। तो नवलदा के बारे में आगे आपको बताएंगे। आज सभी लोगों ने देख सकते हैं पूरी गाड़ियां रोक रखी है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। पहले नवलदा की कुछ बातें सुन ले आप। भाइयों, मैं आप सभी को जीत गुरु के चैनल के माध्यम से अवगत कराना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी को पता है, केंद्र सरकार द्वारा हमारे पूरे भारत वर्ष के जितने भी चालक हैं, उन पर एक ये कहना चाहिए तुगलकी फरमान थोपा गया है कि इसमें अगर कोई वाहन चालक दुर्घटना एक्सीडेंट करता है, तो उसमें 10 वर्ष का कारावास और 5 लाख अर्थदंड के रूप में जुर्माना भरना है। तो भाइयों, हम मानते हैं कि कई चीज़ों में तकनीकी खराबी के कारण भी एक्सीडेंट होते हैं। अब अगर एक वाहन चालक को 5 लाख रुपया उसके पास होता, तो उसको वाहन चलाने की आवश्यकता नहीं थी, और वो इतना सक्षम होता कि उसके पास इतना पैसा होता, तो वो दूसरे के यहाँ नौकरी ही नहीं करता। और दूसरा ये है कि जो 10 वर्ष का कारावास था, कारावास का इन्होंने प्रावधान रखा है, वो बिल्कुल ही असंवैधानिक है। हमारे मोटर व्हीकल एक्ट में जो पहले नियम थे, पहले हमारा ड्राइवर को जमानत मिलती थी, फिर उसके बाद वाहन को छोड़ा जाता था, परंतु इन सारे नियमों को दरकिनार करके केंद्र सरकार ने ये नया नियम हम पे लागू कर दिया है, थोपा गया है कहना चाहिए। तो आप भाइयों, इसमें इस नियम के तहत हमारे ऑल इंडिया मोटर यूनियन ने पूरा बंद का आह्वान करा है। इससे पूर्व उन्होंने करीबन एक हफ्ते पहले, जिस दिन से केंद्र में ये लागू हुआ, केंद्र ने इसको सभी को वो करा, तो उस दिन से हमारे ऑल इंडिया मोटर ओनर यूनियन ने इस चीज़ का विरोध शुरू कर दिया था, और 1 तारीख से बंद का आह्वान पूरे संपूर्ण भारत को बंद करने का प्रावधान रखा था। तो इसमें हमारे सभी यूनियनों ने, सभी ट्रक यूनियन है, टैक्सी यूनियन है, और सरकारी चालक संघ हैं, तो लगभग सभी बस यूनियनें हैं, और उत्तराखंड परिवहन है, उत्तर प्रदेश परिवहन, जितने भी परिवहन निगम हैं, तो उन्होंने सभी ने इसका स्वागत किया है और इस फैसले के विरोध में बंद का आह्वान किया है। तो आज हम लोग भी, हमारे पूरी यूनियन है, हमारे भाई लोग हैं, पूरा हमारा जनपद पिथौरागढ़ जनपद हमारा आज की तिथि में ये इस बंद में शामिल हुआ है, अपना पूर्ण समर्थन कर रहा है। और जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम अनिश्चित काल के लिए इस बंद में हम शामिल हैं। पूरे भारतवर्ष के साथ, हम भारतवर्ष के जितने भी चालक हैं, हमारे भाई लोग, उन सब के साथ हम लोग शामिल हैं। काला कानून नहीं चलेगा। सरकार मुर्दाबाद, सरकार मुर्दाबाद, नहीं चलेगा। काला कानून नहीं चलेगा। हमारी मांगे
वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। तो देख सकते हैं ये पूरी गाड़ियां हमारी, वैसे तो हमारा ये स्टैंड है, लेकिन हम लोगों ने आज ये यहाँ पे देख सकते हैं पूरी गाड़ियां खड़ी हैं। ये बिल्कुल सुबह ये 4:30 बजे आ गई थी और सभी लोगों का समर्थन मिल रहा है इसमें, तो प्लीज़ आप लोगों के समर्थन की ज़रूरत है हमें। लोग जो हमारे बाहर से आ रहे हैं, बाहर से कहना मतलब धारचूला, मुंशियारी, डीडीहार, कहीं से भी अन्य हमारे कहीं से भी आप आ रहे हैं, तो आप लोग तो आ रहे हैं साथ में सवारियां ला रहे हैं, तो आपके साथ साथ देखो आपको तो परेशानी का पता है लेकिन सवारियों को पता नहीं है, तो आप भी परेशान होंगे और उन सवारियों को भी आप परेशान कर रहे हैं। तो मेरा सभी चालकों से, सभी मालिकों से अनुरोध है कि अपनी सवारियां न लाएं, क्योंकि ऐसा होगा यहाँ आने पर, जिला मुख्यालय में आने पर आपके साथ परेशानी होगी तो उनके साथ भी परेशानी होगी। जो उन सवारियों के साथ एक तौर पे देखा जाए तो बिल्कुल परेशानियां हम नहीं चाहते हैं, लेकिन आपके कारण उनको भी परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो इसलिए आप लोगों से मेरा एक विनम्र निवेदन है कि आप आते हैं आइए, आप आइए जिला मुख्यालय में, लेकिन सवारियां लेके मत आइए। अगर आपके वाहन में कोई भी किसी भी प्रकार की किसी बदतमीजी होती है, कोई नुकसान होता है, वो आपके स्वयं की जिम्मेदारी होगी, न उन सवारियों की होगी, न कोई टैक्सी यूनियन की होगी, न मालिक की होगी। ठीक।